हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। आज हम बनाएंगे अरबी की सब्जी। ये दोस्तों मैंने 500 ग्राम अरबी ली थी और इसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसको बॉईल करके आज हम सब्जी बनाएंगे। तो दोस्तों इसको हम इस तरह से इसका छिलका उतार देते हैं। सारी अरबी हम इस तरह से छील लेंगे और दोस्तों ये हम दही से बनाएंगे। एक कटोरी मैंने दही लिया है, तो सबसे पहले मैं अरबी छील के तैयार करती हूँ। देखिए दोस्तों, अरबी मैंने सारी छील ली है। अब हम इसको इस तरह से हल्के हाथों से इसको मैश कर लेते हैं। देखिए मैंने अरबी सारी इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने मैश कर ली है। अब हम इसको साइड में रखते हैं और इसका बनाते हैं मसाला। ये मैंने कटोरी ली है, तो सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें और आधा चम्मच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे इसमें लाल मिर्ची और दोस्तों 1/4 चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर। अब डालेंगे हम दोस्तों 2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर और इसमें पानी डाल के इसको मिला लेते हैं। देखिए दोस्तों ये मसाला हमारा बनके तैयार हो गया है और आप इस तरह से अरबी की सब्जी बनाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरह से। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, गैस की तरफ चलते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। आप जो ऑयल खाते हो आप वो डाल सकते हैं। ऑयल को हम दोस्तों गर्म होने देंगे। दोस्तों ऑयल गरम होते ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। थोड़ा सा डालेंगे जीरा। इनको अच्छे से भून लेते हैं। अजवाइन और जीरा हमारा भुन गया है। अब हमने जो मसाला बनाया था इस मसाले को इसमें ऐड कर देते हैं। और इसको 1-2 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। देखिए दोस्तों मसाला हमारा भुन गया है और ये कितना अच्छा मसाला लग रहा है। अब मसाला लिया था उसी कटोरी में हम थोड़ा सा पानी लेके इसमें मिला देंगे। अब हम दोस्तों डालते हैं इसमें दही। दही अगर आपकी खट्टी है तो आप कम कर सकते हैं और दही को भी दोस्तों हम मिक्स कर देंगे। दही डालने के बाद हम इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि हमारा दही फट ना पाए। और देखिए दोस्तों कितनी अच्छी ग्रेवी लग रही है। और इसको बस 1 मिनट के लिए इसको खोलने देंगे। देखिए दोस्तों ग्रेवी में खोल आ चुकी है। अब जो अरबी ली थी अरबी हम इसी में मिक्स कर देंगे। दोस्तों मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे हम। अरबी को दोस्तों हमारे यूपी में काफी लोग इसको भुया के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हो नहीं जानते हो पता नहीं, लेकिन इसका नाम एक भुया भी होता है। और मिक्स करने के बाद अब हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे पानी। पानी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं और कम ग्रेवी चाहिए तो आप उसके हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम और डालेंगे। देखिए दोस्तों हमारी अरबी की सब्जी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें पानी और नहीं डालना है। अब हम इसको 2 मिनट और इसको खोलाएंगे। देखिए दोस्तों 2 मिनट हो गए हैं और सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। अब हम ऊपर से इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया और धनिया को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको कटोरी में निकाल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया अरबी की सब्जी बनके तैयार हुई है। आप इसको रोटी या पराठे के साथ किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों ज़रूर आप एक बार इस तरह से अरबी बना के ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों।
और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।